बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था कि हमारे सभी मूल निवासी पढ़े और हर उस मुकाम को प्राप्त कर जाए जहां पहुंचने के लिए सदियों से हमें दबाया गया था, हमें रोका गया था, हमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपना सेवादार बना के रखा गया था। हम बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर के अपने बहुजन मूल निवासी समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपको अपने समाज को आगे बढ़ना है तो बाबा साहब के विचारों को मानना पड़ेगा। बाबा साहब के विचारों, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के खुद को और पूरे देश को आगे ले जाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो ही पिएगा वही गुर्राएगा। तो आज वह समय आ गया है कि आप लोग खुद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अगर आपका टाइम निकल गया है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, तो मेरे साथियों, मेरे बहुजन समाज के मूल निवासियों, आपसे मैं हाथ जोड़कर बार बार बेनती करता हूँ कि आप बिल्कुल मत पछताइए। देखिए, आपका अगर सपना था कि हम पढ़ लिख कर दरोगा बनते और आप नहीं बन पाए, तो मेरे भाई कोई बात नहीं है, आपका एक चांस निकल गया दरोगा बनने का। लेकिन अगर आपके मन में सपना था कि हम डॉक्टर बनेंगे, दरोगा बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे या देश के चलाने वालों में किसी पद पोस्ट पर हिस्सेदारी लेंगे, तो आपका दूसरा चांस आपके सामने है। वो है दूसरा चांस, गोल्डन चांस, आपके बच्चे हैं। अगर आपका सपना था डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने का, नहीं बन पाए, तो आप अपने बच्चों को इतना पढ़ा दीजिए कि आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन के आएंगे, तो आप दरोगा नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन आप दरोगा के बाप बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मैं सभी मूल निवासियों को यह बार बार संदेश देता हूँ कि जैसे भी परिस्थितियाँ हो, जिस भी हालात में हो, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई को कभी डगमग नहीं होने देना। अगर आपके बच्चों की पढ़ाई डगमग हो गई, तो हमारे अधिकार डगमग हो जाएंगे, हमारे संविधान में अधिकार कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा संविधान यूं ही मजबूत बना रहे और हमारे अधिकार को कोई आँच ना आने पाए, तो हमें पढ़ना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है। जय भीम, जय भारत। मैं विनोद कुमार साहनी, निशा ज्योति न्यूज, जालंधर।